रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था जो कि था m1v1 + m2v2 = m1v1 + m2v2। इट मीन्स कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। बेटा, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को समझने से के लिए हमें पहले कोलिजन्स का पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट कोलिजन्स को ऑब्जर्व करते हैं। कोलिजन बेटा दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम दो ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन को ही स्टडी करते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट फील्ड में कोलिजन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आपको पता है कि एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल को अपने पांव से किक करता है तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन को हम ऑब्जर्व करते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर का बाउंड और दूसरा फुटबॉल। ठीक है बेटा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स सेपरेट हो जाते हैं और उनकी जो ओरिजिनल शेप होती है वो बरकरार रहती है। ठीक है, इसी तरह एक बेसबॉल प्लेयर बेसबॉल बैट से बॉल को हिट करता है, इस केस में भी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन सेपरेट हो जाते हैं और उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रहती है। इस तरह की कोलिजन जिसमें आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल शेप मेंटेन रहे उसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप व्हीकल्स की कोलिजन को भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि दो गाड़ियाँ, दो कार्स या दो मोटरसाइकिल्स आपस में आके कोलाइड करते हैं, इस केस में क्या होता है कि दोनों ही गाड़ियाँ आपस में कोलाइड करती हैं और उनकी जो शेप है ओरिजिनल शेप वो मेंटेन नहीं रहती। इट मीन्स कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो डीफॉर्म हो जाती है। ठीक है बेटा, इसी तरह जैसा कि एक एरो है, तीर है, वो हिट करते हैं अपने टारगेट को। ठीक है, उस टारगेट को जब वो हिट करता है तो वो आपस में स्टिक कर जाते हैं, एरो भी और वो टारगेट भी चिपक जाते हैं और एक कॉमन इलास्टिक के साथ मूव करती है। ठीक है, इस केस को हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ठीक बेटा, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिक डिफरेंस जो आता है वो काइनेटिक एनर्जी का आता है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन बट इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हमने कहा कि एक कोई हार्ड बॉल ली है, उसको हमने मार्बल फ्लोर पे ड्रॉप किया है। ठीक है, ड्रॉप किया तो जब वो मार्बल फ्लोर पे हिट करेगा तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इस केस में भी दोनों ऑब्जेक्ट्स मार्बल फ्लोर और हार्ड बॉल उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रहेगी, उसमें कोई डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगी। ऐसी जो हमारे पास कोलिजन है उसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम उसी हार्ड बॉल को किसी सैंडी फ्लोर पे अगर हम ड्रॉप करें तो क्या होगा, वो जो सैंडी फ्लोर है उस पर एक गढ़ा पड़ जाएगा। ठीक है, गढ़ा पड़ने का मतलब है कि उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी और जो हमारे पास हार्ड बॉल है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी बल्कि उसके साथ ही स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी। तो इस तरह की जो कोलिजन है जिसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल शेप डिफॉर्म कर जाए उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें बेटा हम दो कोई भी स्मूथ बॉल को कंसीडर करते हैं जिनका मास m1 और m2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, और उनकी वेलोसिटी v1 और v2 रिस्पेक्टिवली है। बेटा, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी v1' और v2' में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये केस बेटा सिर्फ और सिर्फ इस हालत में पॉसिबल है जबकि वेलोसिटी ऑफ मास m1 ग्रेटर हो वेलोसिटी ऑफ मास m2 से। जब वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तब वो टकराने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब वेलोसिटी ऑफ मास m1 ग्रेटर हो वेलोसिटी ऑफ m2 से। ठीक है बेटा, हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारे पास है m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime। ठीक है बेटा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी से अगर हम जो हमारी टर्म्स है मास m1 वाली वो अलग कर लें और मास m2 वाली वो सेपरेट कर लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी m1 is into v1 minus v1 prime is equal to m2 v2 minus v2 prime। बेटा इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू प्राइम स्क्वायर है। ठीक है, इसमें दोबारा से हमने m1 वाली टर्म अलग कर दी और m2 वाली टर्म अलग कर दी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई half m1 v1 square minus v1 prime square is equal to half m2 into v2 prime square minus v2 square। ठीक है बेटा, half जो है half से कट हो जाएगा और जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी m1 v1 plus v1 prime v1 minus v1 prime is equal to m2 v2 prime plus v2 into v2 prime minus v2। बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, हमारे पास जो ये बनी थी, ये हमारे पास इस तरह से आई थी a minus a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई इस हमारे पास फार्मूला के थ्रू। ठीक है बेटा, तो हमने डिवाइड किए थे कि हमारे पास जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 2 है, इसमें दो टर्म जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये वाली और ये वाली टर्म कॉमन है, तो हमने इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 के जरिए, तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो सिर्फ प्लस वाली बची हैं, प्लस वाली टर्म्स बची हैं। ठीक है, उसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया वी वन प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल टू वी टू प्राइम प्लस वी टू। ठीक है बेटा, अब हमने फर्दर क्या किया है, किसी इक्वेशन 4 से हमने v2 prime की एक बार वैल्यू ले ली है और उससे हमने v1 prime की वैल्यू अस की है डिडक्ट की है, और हमने एक बार v1 prime की वैल्यू पुट करके v2 prime की वैल्यू ले ली है। ये जो v1 prime है और v2 prime है, ये हमारे पास आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज है मास m1 और m2 की। यही हमने जो है हमने मालूम करनी है कि v1 prime की वैल्यू क्या है और v2 prime की वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने पहले v2 prime की वैल्यू ली है, तो हमारे पास आई है v2 prime is equal to v1 plus v1 prime minus v2। ठीक है बेटा, इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है v2 prime की, इसको हमने पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या है, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 into, ये जो हमारे पास v2 prime थी इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, जो हमारे पास थी v1 plus v1 prime minus v2। ठीक है बेटा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने क्या किया है, v1 प्राइम वाली, क्योंकि हमने v1 प्राइम की वैल्यू ले ली है, तो v1 प्राइम वाली जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हमने सेपरेट कर लिया है, बाकी टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है बेटा, इधर से हमने v1 प्राइम को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास m1 प्लस m2 रह गया, और इसमें हमने v1 को हमने कॉमन ले लिया और v2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा है, v1 को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, m1 minus m2 plus इन दोनों को ऐड किए तो 2m2 v2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हमने सिंपलीफाई किया, ये इधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास v1 prime की वैल्यू आ जाएगी। v1 prime की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 plus 2m2 v2 over m1 plus m2, ये जो हमारे पास v1 prime की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, इसी वैल्यू को v1 prime की इसी वैल्यू को हम दोबारा से इक्वेशन 5 में पुट करें तो हमारे पास v1 prime की वैल्यू v2 prime की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो
इस वैल्यू को v1 प्राइम की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, ठीक है। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम की जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो कि हमारे पास m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 के इक्वल है प्लस 2m2 v2 over m1 plus m2 के इक्वल है, ठीक है बेटा। साथ में हमने माइनस एम टू एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, हमने क्या किया है वी वन प्राइम दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास रह गया एम वन प्लस एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, ठीक है, वी वन के साथ सिंपल वी वन है। तो सेकेंड में हमने वी टू जो है कॉमन ले लिया है, अंदर जो हमारे पास आएगी ब्रैकेट के अंदर टर्म वो आएगी टू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू और इसकी जगह पे वन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास मजीद हमने जो सिंप्लीफाई किया है इसको, हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 आ गया, m2 m2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास दूसरी जो टर्म है ये प्लस 2m2 माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। 2m2 में से 1 m2 अगर माइनस हो जाए तो हमारे पास m2 रह जाता है, ठीक है बेटा। तो फाइनली जो हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आई है वो है 2m1 over m1 plus m2 v1 minus m1 minus m2 over m1 plus m2 v2। ये हमारे पास दोनों velocities आ गई हैं after the collision v1 prime और v2 prime। बेटा इसके बाद हमारे पास कुछ special cases हैं, चार special cases हैं जिसमें हमने इन्हीं की values इस्तेमाल करते हुए वो cases solve करनी है, तो हम next lecture में इसको देखेंगे, ठीक है बेटा।